Hi everyone. Hi, my name is Vidul and you are watching my YouTube channel Learn English with British. Of course guys, today I'm back with another new lesson. आज मैं आप लोग के लिए एक नए लेसन के साथ में आया हूँ और आज का जो लेसन है वो है कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप किसी को कैसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको कभी कोई अच्छा लगता है शादी में, पार्टीज में या फैमिली फंक्शन या इट काइंड ऑफ एनी ओकेजन, आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, उस फंक्शन में आप किसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं या फिर आप किसी की तारीफ करना चाहते हो, तो उस तारीफ को आप किस कदर से करेंगे, आप उस तारीफ को आप कैसे बोलेंगे। ऑफकोर्स आज का लेसन है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, आप किसी को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Let's get started. So guys, as you all have seen, the first word is written here, distinguished. Yeah, आपने बिल्कुल सही सुना है, distinguished. एक बार फिर से बोलेंगे, distinguished. Well people, ये word आप लोग के लिए शायद नया हो या पुराना हो, but मैं आपको explain करूँगा, what is the exact use of distinguished. आप parties में जाओगे तो आपके सामने like कुछ लोग होंगे जो equal होंगे, कुछ लोग same होंगे, लेकिन जो a person who looks in a really beautiful in suit, जो लोग सूट में अच्छे लगते हैं, जिनके ऊपर सूट अच्छा लगता हो, या यू कैन से लाइक दिस, लाइक दिस पर्सन इज हैविंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। या गाइस आपने बिल्कुल सही सुना है, दैट बॉय इज हैविंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ब्राउन हेयर, या यू कैन से, आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के ऊपर ब्लैक हेयर होते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, भाई आपके ऊपर ये वाले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्राउन हेयर लुक्स डिस्टिंग्विश्ड। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो डिस्टिंग्विश्ड का फाइनली आप यूज़ करेंगे जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंग्लिश में, जैसे आपको बोलना होगा शी ही इज हैविंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, आपको बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ही हैज गॉट डिस्टिंग्विश्ड personality, okay. For the person, आप अपने डैड के लिए बोल सकते हैं, या कोई बूढ़ा आदमी जो लाइक सूट वूट पहन के पार्टी में आपसे मिलते हैं, ठीक है, आप उसको विश कर सकते हैं, लाइक किसी की तारीफ के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है डिस्टिंग्विश्ड, काइंड ऑफ जेंटलमैन यू कैन से, एक प्रकार का जेंटलमैन आप उनको विश कर सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड। ओके, लेट्स मूव अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, दिस रिटन हियर डैज़लिंग, या बिल्कुल से सुना आप लोगों ने, डैज़लिंग, ये वर्ड डैज़लिंग आपने शायद पहले पढ़ रखा होगा, एक हमारे लेसन में डीटीएच आपको पढ़ाया गया था, उस लेसन में आपको डीटीएच की फुल फॉर्म बताई गई होगी, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डैज़लिंग, मींस जब कोई भी चीज़ आपको शाइनिंग लगती है, लाइक जैसे पार्टी में जैसे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब किसी की एंट्री से वो थोड़ी सी चमक आती है, यू कैन से आज तुम बहुत चमक रहे हो, तो यू कैन से यू आर डैज़लिंग टुडे। ऑफकोर्स बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आप लोग क्या बोलेंगे, यू आर डैज़लिंग टुडे, एक बार फिर से बोलिए गाइस, यू आर डैज़लिंग टुडे। ओके, द थर्ड वन जो लिखा है हमारा, ड्रेस्ड टू किल, ये गाइस आपने बिल्कुल सही सुना है, ड्रेस्ड टू किल, इसका मतलब ये नहीं कि कोई किलर है तो लाइक इन हिंदी आप ऐसे बोलते हैं कि यार भाई आज तो बिल्कुल कातिल लग रहे हो यार, मतलब कि ये जो ड्रेस है बिल्कुल एकदम कत्ल कर रहे हो। इन इंग्लिश यू कैन से हियर, यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे, क्या बोलना है आपको इंग्लिश में, यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे। यस गाइस बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे। जब भी हम बात करते हैं किसी को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, तो आप तारीफ किए बिना नहीं रुक पाते, तो आप हमेशा कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, बट नाउ गाइस आपको कुछ नए वर्ड्स यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टिंग्विश्ड एंड डैज़लिंग, द थर्ड वन इज यू ड्रेस्ड टू किल, या बिल्कुल गाइस प्रोनंसिएशन सही रखिएगा, आपको इसमें ड्रेस्ड नहीं बोलना है, यू हैव टू से ड्रेस्ड टू किल टुडे। ओके गाइस, आज तुम काते लग रहे हो तो यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका जेनियल, या गाइस बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, इट्स कॉल्ड जेनियल, फिर से बोलेंगे एक बार, जेनियल मीन्स अ पर्सन हु इज फ्रेंडली फॉर यू, हु इज चेयरफुल, जिसको देख के आपको खुशी होती है, और जो अक्सर मतलब कि हंसता रहता हो उसको देखो, ही इज जेनियल पर्सन, ये गाइस बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ही इज जेनियल पर्सन। यू कैन ऑल्सो से फॉर यू, यू आर जेनियल पर्सन, क्या बोलना है आपको इंग्लिश में, यू आर जेनियल पर्सन। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा
रेविशिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वर्ड, इट्स योर रेविशिंग मीन्स अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गॉर्जियस, जिसको देख के आप बोल रहे हो यार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है. यू कैन से फॉर द गर्ल्स लाइक मोस्टली ये फीमेल्स के लिए होता है, आप अपनी मॉम को या फिर आप अपने फ्रेंड को वो भी बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग रेविशिंग इन दिस ड्रेस. गाइस आपने बिल्कुल सही सुना है, मम्मी कभी कभी रेडी होती हैं तो वो साड़ी पहनती है, उनको देख के बोल सकते हैं मम्मी यू आर लुकिंग रेविशिंग इन दिस साड़ी. वेल पीपल, हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इट्स कॉल्ड अमेजिंग. ये गाइस आपने बिल्कुल सुना हो, अमेजिंग मीन्स जब कोई भी चीज़ यूनिक, यू कैन से लाइक अल्टीमेट. कुछ लोग होते हैं जो देखने में, सुनने में, बोलने में हमेशा हर चीज़ को डिफरेंट रिगेस कर सकते हैं, तो उनको बोल सकते हैं वाओ यार यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन. जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा आपका मैजेस्टिक. या गाइस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मैजेस्टिक. एक बार फिर से बोलेंगे मैजेस्टिक. एज यू गाइस कैन सी द वर्ड इज रिटन हियर मैजेस्टिक. मैजेस्टिक मीन्स अ पर्सन हु लुक्स ब्यूटीफुल, यू कैन से फॉर द गर्ल्स. ये भी वर्ड है जो आप गर्ल्स के लिए प्रेज कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा लोगों को, अ पर्सन हु इज हैविंग इम्प्रेसिव ब्यूटी, हैविंग शोइंग इम्प्रेसिव ब्यूटी. सो यू कैन से भाई शी इज मैजेस्टिक गर्ल. या गाइस फिर भी बोलेंगे एक बार इंग्लिश में, शी इज मैजेस्टिक गर्ल. या यू कैन से फॉर यू आर मैजेस्टिक. सो नेक्स्ट लेट्स मूव अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आपका एलिगेंट. या गाइस बिल्कुल सुना आप लोगों ने, एलिगेंट. एक बार फिर से बोलेंगे एलिगेंट. एलिगेंट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज रियली स्टाइलिश, जिसको देख के आप बोल दो यार बड़ा स्टाइलिश बंदा है, हमेशा ड्रेस्ड अप होता है, बेटर रहता है. सो यू कैन से ही इज स्टाइलिश पर्सन, यू कैन से ही इज एलिगेंट. एक बार फिर से बोलेंगे आप लोग को, ही इज एलिगेंट. ओके, you can also explain here elegant as a dress, like you can say you look beautiful, you look elegant in this dress, you look elegant in this black dress. Of course jab kisi color ki baat aati hai, koi color kisi ke aur ke upar khilta hai, theek hai, sab pe har ek color nahi acche lagte hain. So you can say you look elegant in black shirt, you look elegant in black t-shirt. jo aapka next part hai wo hai aapka flamboyant. yeah guys bilkul sahi suna aap log ne, flamboyant. ek baar mere sath bolenge, flamboyant means hota hai a person who has got lots of attraction, theek hai, jo aapko uski personality ki wajah se attract kar leta hai. like aap party mein dekhte ho, host hote hain, wo आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो आप यू कैन से ही इज फ्लैम्बोयंट पर्सन, ही इज फ्लैम्बोयंट पर्सनैलिटी. यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस फीलिंग टुवर्ड्स योर बॉस. आपके बॉस अगर ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप बोल सकते हो माय बॉस इज फ्लैम्बोयंट पर्सनैलिटी. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड अबाउट द लास्ट पार्ट. जो आपका लास्ट पार्ट है स्पार्की. बिल्कुल सुना आप लोगों ने, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्पार्की. फिर से बोलो सब लोग इंग्लिश में, स्पार्की. स्पार्की इट मीन्स लाइक कुछ स्पार्क जैसा नहीं है, कुछ चमक जैसा नहीं है. या गाइस ऑफ कोर्स यू कैन सी अ पर्सन हु इज रियली प्रॉम्प्ट, जो हर काम को बहुत ही फुर्ती से करते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं ही इज स्पार्की पर्सन. लाइक यू कैन ऑल्सो कमेंट. दोस्तों हम लोग अक्सर फेसबुक पे जब भी किसी के पिक्चर पे कमेंट करते हैं, तो कमेंट में हम लोग हमेशा नाइस पिक्चर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम लिखते हैं, बट वी हैव मैनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन. हम लोग के पास और भी वर्ड्स हैं जो आप किसी को प्रेज कर सकते हैं. सो फेसबुक पे अगर आपको लाइक थोड़ा अलग हटके वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट देना है, तो प्लीज़ गाइस आपको ये वर्ड्स यूज़ करने होंगे जब कोई बंदा देखने में अच्छा लगता है. सो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर लेते हैं, ठीक है. ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने व्यूज़ देना ना भूलिएगा. या गाइस दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड गाइज आपकी एक कॉमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड आई वॉन्ट वॉट इन ऑल, एंड आई ऑल नीड ऑनली योर सपोर्ट. मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाता रहूँगा. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ऑलराइट गाइस, सो इट्स इनफ फॉर टुडे, विल मीट अगेन सून.